नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त जितेश अनेजा। आज सच की बात न्यूज़ दिल्ली में हम देखेंगे पद्मावती के ऊपर पूरी कहानी। पद्मावती ये एक ऐसी फिल्म है जो अभी तक की दुनिया में बहुत चर्चित फिल्म रही थी। जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पर हम जनता कर्फ्यू की ओर चल चुके हैं। पूरे देश में इस पद्मावती को नहीं लगने दिया जाए। मैं राजपूत नहीं, राजपूत कर्णी सेना नहीं, सभी समान विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं, सामाजिक तौर पर जनता कर्फ्यू 25 तारीख को लगाया जाए। यह वो फिल्म थी जो शूटिंग से लेके इसके ऊपर बवाल मच गया था, तो अभी तक इसके ऊपर बवाल है। राजपूत के लोगों ने सड़कों पे आए, थिएटरों पे आग लगाई, इस फिल्म को ना रिलीज करने की मांग रखी, पर सरकार ने इस फिल्म का नाम चेंज किया, पद्मावती से पद्मावत किया। इसके कुछ सीन थे वो कट किए जो राजपूत घराने के लोगों को पसंद नहीं थे, पर इसके बाद भी इस फिल्म को रिलीज मंजूरी मिल गई है रिलीज की, तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। क्या कहते हैं पब्लिक इसके बारे में, आइए पब्लिक से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? पद्मावती रिलीज हो गई है, क्या पता है इसके बारे में? पिक्चर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि चर्चित बहुत रही है पिक्चर। इस बारे में सुनने में आ रहा है, रोज विषय आ रहे हैं इस बारे में कि इस पिक्चर की वजह से थिएटरों में आग लगाई जा रही है। लोगों को ये बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस करवा लें अपना अगर थिएटर। सरकार ने सहमति नहीं दी है, सहमति कोर्ट ने दी है, और हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पे बंदिश लगाए, इसको रोके, नहीं तो फिर थिएटर जलेंगे और कुछ नहीं होगा, बाकी जनता अपनी देखेगी जो होगा। आप क्या लोगों को पर्सनल राय देना चाहोगे पद्मावती को देखने के ऊपर? यही कि एक हिंदू होने के नाते पिक्चर ना देखने जाएं, और इस पिक्चर को जितना जितना बायकॉट करें बहुत बेहतर रहेगा, वो लोगों के लिए बेहतर है, अब सभी के लिए बेहतर रहेगा। जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पर हम जनता कर्फ्यू की ओर चल चुके हैं। पूरे देश में इस पद्मावती को नहीं लगने दिया जाए। मैं राजपूत नहीं, राजपूत कर्णी सेना नहीं, सभी समान विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं, सामाजिक तौर पर जनता कर्फ्यू 25 तारीख को लगाया जाए। और सर जिस तरह से लेकिन कांटछाट हो गई है, ये हुआ है इस बंसाली पर मुझे अभी तक पता नहीं है। पता है कि पद्मावती मूवी रिलीज हो चुकी है, देखने के लिए कितना उत्साह आपके अंदर है इसको? देखिए मेरे को देखने का इस मूवी में कोई उत्साह बचा नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि ऐसे मैंने आज तक कोई इंसिडेंट नहीं देखा है कि जिसमें मूवी रिलीज होने से पहले ही इतना उसने तबाही मचा दी हो, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी खराब हो चुकी है। कल न्यूज में देखा था आपने कि अहमदाबाद में कितने 3 मॉल जल के राख हो चुके हैं, उससे किसको क्या फायदा मिल रहा है, किसको फायदा मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, उससे लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, जो लोग जिनको कोई मतलब नहीं था, जो उसमें जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट कैम जो करनी सेना की जो उन्होंने कल किए हैं, सीन मचाए हैं वहाँ पर अहमदाबाद में, उन्होंने इतना हंगामा मचाया, तो उसकी वजह से जब लोगों को हार्म पहुँच रहे थे उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आई एम नॉट गोना सपोर्ट दिस पद्मावती। राजस्थान से हूँ तो मैं खुद देखने जाऊँगा मूवी, बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इस मूवी में इतना प्रोटेस्ट हुआ और ये सब देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या था, क्योंकि गलत ही दिखाया गया है। वैसे तो संजय भंसाली जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उन्होंने बहुत गलत दिखाया है इसमें, पर मैं देखने जाना चाहता हूँ, एक क्यूरियस हूँ इसके लिए कि क्या हुआ इस मूवी में ऐसा, तो इसे देखना चाहता हूँ। जिसके ऊपर ये विरोध था वो सीन तो उन्होंने कट कर दिए गए, अब इसमें क्या बचा जो आप देखने चाहते हैं? मूवी देखने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, पर तब भी एक बार हो आएंगे देखने के लिए, और क्या, इतना इसके लिए बनी है, इतना प्रमोट हुआ है, इतने इसके लिए राजस्थान में इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, राजपूतों ने जो इतना करा है, राजपूतों का जो हमारा ग्रुप है, मैं भी राजस्थान से हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त राजपूत खुद बोलते हैं, ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती बढ़ावा किया है अपने को, खुद को पब्लिसिटी लेने के लिए। पर क्यों इतने विरोध के बाद भी? यार देखनी है वो मूवी, पता नहीं इतना मतलब इसको लेके इतना क्या हो रहा है, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, मतलब देखनी है मुझे मूवी वो, मैं भी तो देखूँ ऐसा है क्या इतना, मतलब राजस्थान में शायद बैन हो गई वो, राजस्थान वगैरह में भी, अब तो पक्का देखनी है। आप क्या कहना चाहोगे इसको? इसमें मूवी मेरे को आई एम हर्षेयर, इसमें इस मूवी में मुझे देखना ये है कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सी किस बात को लेकर हो रही है।
ऐसा कौन सा इसमें एक पर्टिकुलर सीन या कुछ भी ऐसा है क्या है जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं देखना चाहूँगा इसे बहुत, मैं भी एक्साइटेड बहुत हूँ क्या इसमें ऐसा क्या है। मैम आप क्या कहना चाहोगे इसको? मैं प्रियंका एंड मुझे ये बोलना है कि हाँ कंट्रोवर्सी है, तो ये देखना है कि किस लिए है इतना जो हो रहा है हंगामा वगैरह, ये क्यों है? तो शायद वो था जी रूमर्स उनका। मैम लोगों ने कहा है कि इस मूवी को देखने में रिस्क है, आप खुद अपने रिस्क पे बैठ के देखना तो थोड़ा डर लगा जाएगा मूवी देखने में। हाँ ये तो रहेगा, पर क्या ऐसे डरना क्या, दिल्ली वाले डरे तो फिर ये तो अलग बात है ना। बताना चाहोगे पद्मावती के बारे में? जी पद्मावती के बारे में तो यही बताना चाहूँगा, यहाँ दिल्ली आके तो क्या आप सभी ने सुना ही होगा कि विरोध चल रहा है पद्मावत मूवी का, लेकिन जो हम राजस्थानियों को उसका विरोध पता है वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी भारतवासी उस विरोध के बारे में जान नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध अगर देखा है किसी ने तो हम राजस्थानियों ने ही देखा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेसिकली ये जो सारा चल रहा है वो मैटर हमारे राजस्थान से उठा है। और मैं जिस शहर का निवासी हूँ वहाँ से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे ही चित्तौड़गढ़ पड़ता है जहाँ से ये किस्सा उठा है। हमने जो कहानियाँ सुनी और जो पढ़ते आए हैं जो सुनते आए हैं वो ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसी मैटर को लेके चित्तौड़ पर हमला किया, राणा रतन सिंह ने बचाते हुए अपनी समाज को वो शहीद हो गए और रानी पद्मावती ने वहाँ जोहर कर लिया। ये हमने कहानी सुनी और देखी भी वहाँ जाके, और लेकिन पूरे भारत में जो आगजनी हो रही है इसको लेके, इस पर पक्ष और विपक्ष लोगों के अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया हो किसी चीज़ को लेके, तो मैं खुद चाहता हूँ और सभी को ये चाहिए कि उसका पालन किया जाए, किसी भी तरीके से उसका पालन हो लेकिन पालन किया जाए। पद्मावती का नाम चेंज किया था, पद्मावत रखा था जी, जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी फिल्म रिलीज़ की, 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होनी है जी। बिल्कुल सर 25 तारीख कल ही है, लेकिन कल जैसे कि आज मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, न्यूज़ चैनल से मुझे पता लगा अहमदाबाद के अंदर इतना घोर नरसंहार, मतलब अभी तो मूवी देखी ही नहीं है लोगों ने। और मैंने कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को सुना, आपको पता होगा शायद कि संजय लीला भंसाली ने एक न्यूज़ रूम न्यूज़ रिपोर्टर्स को ज़्यादातर इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनको दिखा के बुला के ये मूवी दिखा दी, उन लोगों के जो बोल थे उनसे मैं अभी तक शौक डूबो, कह रहे हैं कि आप ये मूवी देखिए आपको राजपूत होने पर गर्व होगा, आप ये मूवी देखिए आपको राजपूत होने पर गर्व होगा। मैं सुबह जब ये मूवी इस मूवी का रिव्यू सुन रहा था तो एक बात निकल के सामने आई जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी में क्या हुआ कि जो इतिहास हमने पढ़ा है वो है नहीं, बस इसको बदला गया है। बदला क्या गया है, अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती इस मूवी में खुद छुड़वाने जा रही हैं, और अलाउद्दीन खिलजी को वो छुड़वाने में ऐसा मैंने सुना कि कामयाब भी हो गई वो राणा रतन सिंह को छुड़वाने में, और जब उनसे अलाउद्दीन वहाँ पर राणा रतन सिंह को वहाँ के दरबारी कहते हैं कि आप गुफा में से भाग जाइए, तो वो नहीं जाती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं मैं राजपूत घर से हूँ, मैं राजपूतों की लड़की हूँ, मैं ऐसे गुफा में से नहीं जाऊँगी, मैं सामने से लड़ती हुई जाऊँगी। तो सारे न्यूज़ वालों ने यही कहा कि आप मूवी तो देखिए एक बार, आपको राजपूत होने पर गर्व होगा। जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पर हम जनता कर्फ्यू की ओर चल चुके हैं, पूरे देश में इस पद्मावती को नहीं लगने दिया जाए। मैं राजपूत नहीं, राजपूत करनी सेना नहीं, सभी समान विचारधारा वाले सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ, सामाजिक तौर पर जनता कर्फ्यू 25 तारीख को लगाया जाए।